टीपन मारा बतेरे पड़े, हम 100 रुपये के टीपन पर वोट दे देंगे। भगवान नमोज दे रखी मारा सब क्या है कि हम बेसक गरीब। मेरा दो बेटे हैं, एक संजू एक विनोद, तीसरा बेटा रविंदर है। रविंदर कौन? रविंदर मछरौली वाला। वीडियो देख रहे होंगे आप, कह रहे हो रविंदर मेरा तीसरा बेटा है। हाँ। बेटे के पास तो इतने पैसे हैं, लोग कहते हैं माँ गरीब है, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? उसका एक बार ये बोलती हूँ बेटे, मैंने यह जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, मिनट तक पहले काम पूरे करेगा। लालच में करता होगा ना कि आप वोट दोगे उसे? ना ना, कोई लालच नहीं है। उसने अपने माँ पे भी बुलाता है, मारा आदर मान कर उसने पूरा। अपने एचरी पे बुलाया था एक बार, हम 10-12 बंदे थे, जो पार्टी वाली थी, सारी का आदर मान बढ़िया कर, बेचारे ने बढ़िया सम्मान कर। समालखा विधानसभा में मौजूद है और आप देख सकते हैं घर के अंदर है हम, और घर के हालात देख सकते हैं काफी खस्ता बना हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि कच्चे मकानों को पक्का कर दिया जाएगा, गरीबों को खुशहाली दी जाएगी, घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, राशन कार्ड बना दिया जाएगा। वाकई क्या जीतने के बाद नेता ये वादे पूरे करते हैं? बहरहाल एक माता जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? उषा। उषा, हाँ जी। उषा जी ये बताइए, चुनाव में नेता आते हैं क्या क्या वादे करते हैं? वादे करते हैं भाई, हम आपके मकान बनवाएंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, किसी ने आज तक हमारे घर पर जाकर देख ले, ये तो दुकान है, घर पर जाकर देख ले, सारी कड़ी टूटी पड़ी, सारी दीवारों में तरेड़ा रही, जो आज लोग किसी ने हमारी सुनाई करी हो, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। आपका जो मौजूदा विधायक है छोकर साहब है धर्म सिंह, उसने कितने काम किए आपके लिए? हमारे लिए तो कोई काम नहीं करे आज तक, कोई काम नहीं किया हमारे लिए, कोई काम नहीं करे आज तक। आवे यहाँ पे भाषण दे कर चला जावा, भाई मैं नू करवा दूंगा, उसने नहीं कुछ भी करवाया। ये सामने देख रहे हो गंद कितना चढ़ा पड़ा नाले में, कोई गांव में सफाई नहीं, कोई गांव में सुविधा नहीं। इस बार धर्म सिंह को वोट नहीं करोगे? हमने तो उसका कभी करी ही नहीं, करी ही नहीं कभी भी। एक और नेता जी है, हमने सुना वो टीपन बांटते हैं, बस्ते बांटते हैं, उन्हें वोट करोगे? टीपन मारा बतेरे पड़े, हम 100 रुपये के टीपन पर वोट दे देंगे। भगवान नमोज दे रखी मारा सब क्या है कि हम बेसक गरीब हो। एक रविंदर बेटा ऐसा है, जैसे भाई हम गरीब आदमी है, हमारे घर में सफाई नहीं है, और उन्हें बुला ले किसी काम तक, तो वे अपने मन में नू नहीं सोचेंगे कि भाई आंटी गरीब है, इसके घर में सफाई नहीं है, पानी का गिलास आदर के साथ बैठ के पी लेंगे वे। ऐसे कभी बुलावे पे आए हैं आपके घर? घर पे तो वैसे घर पे तो मैंने अब तक बुलाई नहीं है वे, फिर उनकी गारंटी है भाई गांव में भी आवा है कई बार तो होकर जरूर जावा। लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप कह रहे हो रविंदर मेरा तीसरा बेटा है। हाँ। बेटे के पास तो इतने पैसे हैं, लोग कहते हैं माँ गरीब है, ये क्या बात हुई? उसका एक बार ये बोलती हूँ बेटे, मैंने यह जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, मिनट तक पहले काम पूरे करेगा, मेरे नहीं सबके। ये बताओ किसी ने सिखाया है आपको बोलने के लिए, पैसे दिए कि ऐसी बातें बोल लिया? ऐसी बातों के हम पैसे नहीं लिया करते, हम तो जो बंदा सही दिखेगा ना उसके लिए, सही के लिए सही यही बोलेंगे। इतना प्यार क्यों है? नेताओं को तो लोग गालियां देते हैं और आप कह रहे हो मेरा बेटा है। गालियां देवे ना, जो गालियां देने दे, उन मत नहीं है बंदो, मतलब जो गालियां देवे, उसने 50 बार गाड़ी भेज लिया भाई, हरिद्वार ना कहो, जहाँ भी तीर्थ यात्रा पर जी करे, कुलछत्र जाओ, पंडारा जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी जाओ। अच्छा ये बताओ, कई बार उसने हरिद्वार भेज दी, हाँ। पैसे कितने लेता है? 1 रुपया भी नहीं लिया। वीडियो बंद है, बंद कर दो एक बार, वीडियो बंद है, कितने पैसे लेता है वो? 1 रुपया नहीं लिया मार पता। अरे सही बताओ, ईमानदारी से बताओ। तू भी मेरा बेटा ही है, आपकी कसम, मेरे सिर की कसम, नहीं लेता है पैसे 1 रुपया भी नहीं। और रास्ते में होटल है ना, वहां पर चाय पानी भी पियाना, खाना भी फ्री में, सब कुछ, बेड गद्दे एसी पंखे कूलर सब क्या है की सुविधा, 1 रुपया नहीं लिया किसी पे आज लो। तो इस बार किसको फिर नेता बनाओगे, विधायक किसे बनाओगे? रविंदर ने बनावांगे, एक तरफा रविंदर ने बनावांगे, जितने भी हमारे हैं सारे उसकी वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। आप प्रचार करोगे अपने बेटे की? हाँ प्रचार करेंगे, वोट भी करेंगे, वोट भी उसकी, सपोर्ट भी उसकी, नाम किसी तरह डरते, चाहे कोई संभाल के वाला हो, चाहे कोई हो, कोई भी हो, हम किसी तरह ना डरते, और ना हमने किसी का कोई लालच है, हमने तो अब ये बताओ माता जी, कोई और पैसे दे जाए कि ये ले ताई 1 लाख रुपए ले मेरा प्रचार कर, फिर क्या करोगी? हम 1 लाख पे 50,000 और दर के उसे दे देंगे, बेशक हम गरीब हो,
हमने पैसे नहीं चाहिए, हमने कोई लालच नहीं चाहिए। ये भी यहाँ गांव में कितने टिफिन बांट के गया, पूरे गांव में किसी तक पूछ ले मेरी बहू गई हो मैं गई हूँ। और अगले दिन रविंद्र का प्रोग्राम था यहाँ, मैं उसका प्रोग्राम देख नहीं पाई, क्यों मैं शादी में जा रही थी अपने मामा के वहां। फिर रविंद्र जा रहा था मेरे मामा के वहां शादी में, तो वही मिली मैं उसका। मैंने कहा बेटे मैं प्रोग्राम नहीं देख पाई, मैं मामा के यहाँ शादी में आ रही हूँ। बोला कोई बात नहीं, टी बहू भी थी रविंद्र भी था और उसकी गैल 5-7 नेता और थे। बहुत से नेता देखे हमने, लेकिन शायद पहली बार कोई ऐसा नेता देखा है जिसको गांव की जो महिलाएं हैं वो अपना बेटा अपना भाई मानती हैं, और भाई बेटा केवल कहती नहीं है दिल से मानती हैं, उससे ज्यादा प्यार भी करती हैं। इन्होंने कहा कि कोई लाखों रुपए भी दे, गरीब बेशक है हम, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचेंगे, बेटा का है तो बेटे वाला फर्ज निभाएंगे, आने वाले चुनाव में उसके लिए प्रचार भी करेंगे, और अगर अपनी जेब से 10-20-50-100 रुपए खर्च करने पड़े तो वो भी करेंगे, क्योंकि रविंद्र हमारा वो बेटा है जिसको हम एक आवाज देते हैं। तो वो ये नहीं देखता है कि अभी रात के 12 बजे हैं या रात के 2 बजे हैं, वो चला आता है। तो शायद यही वो पैसा है, वही वो अनमोल खजाना है जो रविंद्र ने कमाया है। मेरी अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देख रहे हैं गुलशन के साथ में पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।